चलते हैं खबर की ओर। जिला भाजपा ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और अपराधों को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर को भाजपा पदाधिकारियों ने ज्ञापन दिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एकत्रित हुए और उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। मंदसौर में नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद पंधवार की पुलिस कंट्रोल रूम से 300 मीटर दूरी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई और आधे घंटे तक घटना स्थल पर पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस अपराधी को पकड़ने की बजाय नई नई कहानियां गढ़ने में व्यस्त है। मैम, किस तरीके का ज्ञापन था? आप सभी को जानकारी है कि बीते रोज मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष की दिन दहाड़े मौत हुई और मौत के बाद ना तो उनका किसी ने ध्यान दिया और ना तो वहाँ पे आधा घंटे तक पुलिस पहुँची, ना ही प्रशासन अभी तक सख्त हुआ है इस, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो बहुत बीभत्स और बहुत खतरनाक घटना है। ये किसी भी, जब नगर पालिका अध्यक्ष के साथ ऐसी घटना हो रही है तो आम व्यक्ति के साथ सोचिए क्या होता होगा, हमें पता भी नहीं चलता होगा। तो हम लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर के माध्यम से, ताकि वो इन सभी घटनाओं पर रोक लगाएं। और जिस तरह से कांग्रेस की सर, जब भाजपा की सरकार थी तो ना तो ऐसी कोई घटनाएं हुआ करती थी, ना ही ऐसा कुछ हुआ करता था। और लेकिन जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है तब से हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उन पे ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम अभी यही कह रहे हैं कि अभी तो हम अपनी बात आहिस्ते से कहने आए हैं, लेकिन अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरेंगे उनके खिलाफ। आश्वासन मिला है यहाँ आवेदन देने से? हमने कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। जो अभी एक माह हुए हैं कांग्रेस की सरकार को और अन्याय, अत्याचार, गुंडागर्दी, जगह जगह कत्लें, चोरी डकैती होने लगी, अगर इस पर लगाम नहीं लगती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। इस आशय को लेकर ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी तो आती जाती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन 15 साल की हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इस तरह के कत्लें आम खुलेआम नहीं हुए हैं। और ये गुंडागर्दी को रोका जाए, अगर इस दादागिरी को नहीं रोका गया तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे और ऐसी सरकार को जड़ से उखार फेंकने का काम करेंगे। इस तरह का ज्ञापन था और ये क्या आश्वासन मिला? आज भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं और यहाँ के विधायक जी श्री राजेश प्रजापति जी हैं, उनके नेतृत्व में तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा है जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, जिसमें ये लेख किया गया है कि प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाया जाए और भाजपा एक जिम्मेवार जो विपक्ष है उन के नाते ये मांग करती है, ऐसी भाजपा कार्यकारिणी की मांग है। तो क्या कार्रवाई की जाए? ये चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन है और जिला प्रशासन के माध्यम से भेजा जाना है, इसलिए जिला प्रशासन आज ही इस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज देगा।